मैं आपका मेजबान एलिशन प्रोग्राम फूड मेंट्री में इस वीक तंदूरे में यहाँ पे मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि तंदूरे एक ऐसी ट्रेडिशनल नाम है कि जिसका जिससे हमारी सकाफत मिलती है, जिससे हमारे पाकिस्तानी फूड और कल्चर के हवाले से ज़्यादातर जाना जाता है। तंदूरे इस तरीके का नाम है। तो यहाँ के हमने डबल ड्रैगन बर्गर के हवाले से, चाइनीज़ के हवाले से और फिश फिलेट बर्गर, जो इनके मुख्तलिफ जो बर्गर्स हैं उनके बारे से मैं काफ़ी ज़्यादा सुना है। तो अब हम यहाँ अंदर जाएंगे, उनके स्टाफ मेंबर से बात करेंगे, उनके ओनर से बात करेंगे और जानेंगे उनकी मज़े मज़े की रेसिपीज़। हम चलते हैं अंदर और जानते हैं तंदूर के हवाले से कि तंदूर के स्टाफ मेंबर और ऑनर क्या कहते हैं और उनकी यहाँ की जो स्पेशलिटीज़ क्या है। तो आइए हमारे साथ। नाजीन, हमारे साथ अभी एक तंदूर के वन ऑफ द स्टाफ मेंबर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ की स्पेशलिटीज़ और तमाम चीज़ें जानेंगे, किस किस्म के ज़्यादा कस्टमर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नाम है आपका? नज़ाकत हुसैन। नज़ाकत, ये बताइए सबसे पहले कि तंदूरे के स्टाफ मेंबर्स में से एक हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो कस्टमर ज़्यादा आते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? ज़्यादातर वो बीफ में खाना पसंद करते हैं। बीफ में अपना तंदूरे फिली चीज़ स्टेक है, डबल ड्रैगन है, और जो चिकन में खाना चाहते हैं वो डबल ट्विस्ट हो गया अपने पास, तंदूरे चिकन है, और जो मतलब चाइनीज़ में भी अपना बेस्ट है। चाइनीज़ में चिकन चिली ड्राई है, बीफ में भी, और मंचूरियन है, अपना वेजिटेबल फ्राइड राइस है, चिकन फ्राइड राइस है। मतलब जो जिस बंदे पे डिपेंड करता है वो क्या खाना चाहता है, मतलब बीफ में ज़्यादातर यहाँ पे वो करते हैं, बीफ में वो बीफ में ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, स्पेशलिटीज़ में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्पेशलिटीज़ में अपना डबल ड्रैगन है बीफ में, मैंने पहले ही बता दिया बस आपको, डबल ड्रैगन हो गया, डबल ट्विस्ट है, चाइनीज़ में अपना मंचूरियन है, बीफ चिली ड्राई है, और चिकन फ्राइड राइस है, वेजिटेबल फ्राइड राइस है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पे वो चिकन फ्राइड राइस और आप कह रहे हैं डबल स्टिक पसंद करते हैं, चाइनीज़ में ज़्यादा पसंद करते हैं, और डबल ड्रैगन बर्गर आपका। अच्छा, डबल ड्रैगन बर्गर की क्या खसूसियात है, कुछ चीज़ बताना चाहेंगे कि उसमें क्या डबल फिलेट होता है या उसमें क्या कुछ चीज़ें, थोड़ी सी बताएं इसके बारे में। डबल फिली होता है, डबल पेटी होती है उसमें, डबल पेटी ठीक है। अच्छा अच्छा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आपसे, आसपास के जो लोग हैं उनको, जौहर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे तंदूरे की तरफ से? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आए और तंदूरे पे ट्राई कर ले, बेहतरीन ज़रूर ट्राई करें। जी बस, तो इंशाल्लाह ताला आप दोबारा बार बार आएंगे। जी बार बार आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हर बेसिकली स्टाफ मेंबर हो या कस्टमर हो, वो अपने अल्फाजों में ये बयान कर रहे हैं कि एक दफ़ा ज़रूर तंदूरे आए, क्योंकि इनका डबल ड्रैगन बर्गर है और इसके अलावा जो बेसिकली चाइनीज़ है वो यहाँ का स्पेशल है और ज़्यादातर लोग इसी की डिमांड करते हैं। हमारे साथ जो है वन ऑफ द मैनेजर कहें आप या ऑनर कहें, अरशद भाई मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ की स्पेशलिटीज़ के हवाले से और ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर क्या डिमांड करते हैं और उनसे मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि तंदूरे की स्पेशलिटीज़ में, तंदूरे तो क्या स्पेशलिटीज़ में आपकी चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तंदूरे में हमारा वैसे तो हम स्पेशलिटी हर चीज़ को स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं कि ताकि सारी स्पेशल ही हों जो भी आइटम्स हैं। फिर भी लोगों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं उसके अंदर जो बीफ में है वो तंदूरे फिली चीज़ स्टेक है, फिली चीज़ स्टेक है, डबल ड्रैगन है, और क्लासिक बीफ वगैरह है, वो जो जैसा लोगों को पसंद होता है वो वैसे डिमांड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पसंद आता है, खाते हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे है, मैंने अभी आपके स्टाफ मेंबर से बात किया कि डबल ड्रैगन एक आपका डबल वाला बर्गर है, वो डबल ड्रैगन जो है वो बीफ में, डबल ट्विस्ट जो है वो चिकन के अंदर है, चिकन पेटी में है, और डबल चीज़ी क्रंच है इस तरह जो जिंगर टाइप का होता है और डबल पेटी के अंदर होता है। ज़्यादातर लोग यहाँ के पसंद करते हैं खाना, उसको चीज़ खाने वाले डबल चीज़ के साथ खाते हैं, जो सिंगल खाने वाले सिंगल के साथ खाते हैं। हमारा क्रंच भी माशाल्लाह से बहुत मशहूर है, और ब्रोस्ट भी, ब्रोस्ट जो फ्राइड चिकन है क्रंची होता है वो भी लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद। अच्छा सर, आसपास के लोगों को, जौहर के लोगों को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगे तंदूरी की तरफ से? तंदूरे की तरफ से अच्छा खाना है तो फिर तंदूरे में आए। ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि अगर अच्छा खाना है तो नाज़रीन तंदूरे में आए, बिकॉज तंदूरे क्योंकि वो चीज़ बनाते हैं हम जो हम खुद खा सकें, और वो चीज़ बनाते ही नहीं है जो हम नहीं खा सकते हैं। मतलब हमें जो ऐसी कोई चीज़ नहीं डालते जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो, जैसे MSG वगैरह है और दूसरे केमिकल्स लोग इस्तेमाल करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम नहीं करते हैं, ना MSG इस्तेमाल करते हैं और ना कोई दूसरा केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ है वो रियल है, रियल होती है, इसीलिए हमारा टैग भी है
रियल टेस्ट ऑफ मीट। बिंदा जी, इन्होंने अपनी जो चीज़ें बनाई हैं ट्रेडिशनल चीज़ें, उसके नाम के हिसाब से इन्होंने अपनी हर चीज़ रखी हुई है। अभी तो उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बर्गर्स के नाम लिए डबल ड्रैगन, और इस तरीके से इनका क्रिस्पी ब्रोस्ट है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब हम इनके किचन में जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे किचन में अभी अब यहाँ आए हैं और हम इनका जो बेसिकली स्पेशल बर्गर है डबल ड्रैगन, उसके बारे में हम जानते हैं कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्फकार शेफ। जुल्फकार, ये बताइए सबसे पहले कि कौन सा बर्गर बना रहे हैं? जी मैं डबल ड्रैगन बना रहा हूँ। ये ठीक है, किस फ्लेवर में बना रहे हैं, चिकन में या बीफ में? जी ये बीफ में है। ठीक है जी, 80 ग्राम के पेटी होते हैं, उसके बाद इस पे डबल चीज़ आते हैं, स्पाइसी सॉस आते हैं, उसके बाद टमाटो, ऑनियन, आइसबर्ग, उसके बाद ये जो बन वगैरह इससे बनाते हैं, चीज़ सॉस ऊपर से टॉप टॉस करते हैं हम। टॉप डाल, ठीक है। अच्छा, कितना टाइम अभी उसको लगेगा मज़ीद? अभी इसमें तकरीबन 4 मिनट इसमें पकने में लगते हैं। ठीक है, स्लाइस चीज़ होते हैं, ठीक है, बस स्पाइसी सॉस होते हैं और चीज़ सॉस टॉपिंग करते हैं, उसके बाद बन ही आते हैं। ठीक है नाजिन, अभी इन्होंने हमें बताई कि इसमें 4 मिनट और लगेंगे। हम मज़ीद बर्गर के बारे में जानेंगे कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं। आप ये देख सकते हैं नाजिन कि डबल ड्रैगन बर्गर इज़ रेडी नाउ। ये नाजिन जो है, ये है चटखारा ब्रोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसको बिल्कुल क्रिस्पी बनाया गया है, और आई थिंक सो चटखारा ब्रोस्ट मैंने बहुत कम देखा है, मेरे हिसाब से तो मैंने पहली दफ़ा देखा है। जी नाजिन, हम यहाँ पे तंदूरों में मौजूद हैं इन जौर मोड, और यहाँ पर हमारे साथ अभी कस्टमर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि तंदूर वो कितने अरसे से आ रहे हैं और उनको यहाँ का ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, ये बताइए तंदूर कितने अरसे से आ रहे हैं और यहाँ का आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? तंदूर जो है तकरीबन 4 महीने पहले खुला है, और जिस दिन खुला था वो ओपनिंग पे थे यहाँ पे, और जब से अब तक हम लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डबल क्रंच विद चीज़ सबसे अच्छा है, तो वो ज़्यादातर हम खाते हैं। क्लब सैंडविच भी बहुत अच्छा है और बहुत दूर दूर से आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब नाम है। तैयब, ये बताइए कि तंदूर आपको कैसा लगता है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगता है, और फूड के वाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह फूड के हवाले से तो बेस्ट है, मुझे काफ़ी लाइक करता हूँ इसे मैं, जब भी जोहर आना होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खा के ही जाता हूँ मैं। अच्छा, कुछ ना कुछ खा के जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अस्रा। अच्छा, ये बताइए कि तंदूर आप कितने से आ रही हैं और यहाँ का आपको क्या अच्छा लगता है? 6 मंथ हो गए। यहाँ चाइनीज़ बहुत अच्छा है इनका, और क्लब सैंडविच वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, तो मतलब अच्छा टेस्ट लगता है। जी हमारे साथ नाजिन कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे तंदूरे क्या खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, क्या खाने के लिए आई हो? जरा बताओ तो सही, क्या खाने के लिए खड़ी हो? जरा सामने क्या खाने के लिए आई हो बताओ? फ्राइज। कब से खा रही हो फ्राइज? कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया। फ्राइज लगती क्यों नहीं है तुम्हें? हैं, कुछ और खा लो आज यार, फ्राइज ही खाओगी। अच्छा चलो ठीक है, हम इनसे पूछते हैं एक और। मैं सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीजा। अलीजा, ये बताओ क्या खाना है आज? चाइनीज एंड मंचूरियन। ठीक है। अच्छा, क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट, मतलब कोई अच्छा ज़्यादा खास कोई वजह? स्पाइसी होता है, तीखा होता है, कैसा होता है, मतलब कुछ बताओ। स्पाइसी होता है। स्पाइसी खाना पसंद है? जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयान। आयान, ये बताओ तुम अभी बड़े मसरूफ थे खाने में, डिस्टर्ब कर दिए? नहीं, खा रहे थे। क्या खा रहे थे? बर्गर। सिंगल बर्गर खाते हैं। अच्छा बताओ तंदूरी का तुम्हें ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, पसंद से क्या खाते हो? बर्गर खाता हूँ। कौन सा? जिंगर। सिंगल बर्गर खाते जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, बताएं क्या ज़्यादा पसंद करते हैं तंदूरी का आप? रोस्ट। रोस्ट, एक रोस्ट पूरा खा लेते हैं? तुम्हें देख के तो नहीं लगता, सेहत तो तुम्हारी यार एक रोस्ट वाली नहीं है, आधा या एक पूरा? पूरा। अच्छा जी नाजिन, आप देख सकते हैं कि ये एक तह वाला बर्गर है जिसके अंदर इतनी चीज़ें डाली गई हैं, इसमें बीफ ज़्यादा है, ये एक्चुअली बनता बीफ पे है, और ये इसका शेप जो है बेसिकली जो है वो बेसिकली डबल ड्रैगन के ट्रिपल ड्रैगन लग रहा है मुझे तो, ये इस टाइम पे ड्रैगन ही ड्रैगन, आई थिंक फादर ऑफ ड्रैगन, हाँ से ये बहुत बड़ा बर्गर लग रहा है इस टाइम पे। ठीक है ना। अच्छा, ये क्वान्टिटी में भी ज़्यादा है, आई थिंक सो एक बंदे के लिए इनफ है कि वो आराम से इसको खा सकता है, लेकिन ख़ुराक के ऊपर डिपेंड करता है, टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जी नाजिन, हमारे साथ अभी एक साहब मौजूद हैं जिनका भी ताल्लुक तंदूरी से है, और उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं तंदूरी के हवाले से और टेस्ट के हवाले से, और बेसिकली यहाँ पे और ज़्यादातर जो कस्टमर्स आते हैं वो किस किस्म के आते हैं भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शकील है। शकील, ये बताइए कि तंदूरी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तंदूरी बहुत अच्छा फूड है, ठीक है ना, हाइजेनिक है, और हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट है वो सब एक नंबर है, उसमें कोई दो नंबर नहीं है, सब एक नंबर है, चिकन से लेके बीफ सॉस
जितनी भी चीज़ें हैं सब एक नंबर है, और हमारा फूड बहुत हाइजेनिक है। ठीक है, लोगों को चाहिए ट्राई करें, एक दफ़ा ज़रूर। आस पास के लोगों को अच्छा सा मैसेज दे दें। आस पास के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले हमारे को आगे ट्राई करें, ट्राई करने के बाद फिर आप फैसला करें कि हाँ भाई लोग क्या बेच रहे हैं और हम क्या बेच रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज नाज़रीन, कि ख़ुद आगे एक दफ़ा ट्राई करें इसका टेस्ट कैसा है। हर कस्टमर हो या स्टाफ मेम्बर अपने अल्फाजों में ये बयान कर रहे हैं। तो जैसे कि आज जानते हैं कि आज तंदूरी की प्रमोशन का दिन है और हम यहाँ पे जौहर मोड़ में यहाँ पे मौजूद हैं इसके नियरेस्ट, और हम इरशाद भाई से जानेंगे इनकी होम डिलीवरी के हवाले से जो हमारा मेन सेक्शन होता है, ताकि हम आपको बर्थडे पार्टीज के हवाले से शादी ब्याह तकरीबात पे जो भी आपको डिस्काउंट रेट मिलता है वो बता सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई, हमने आपको दोबारा मधु किया है इस वजह से ताकि आप ये बता सकें कि आपकी जो होम डिलीवरी है उसमें बर्थडे पार्टीज़ और शादी ब्याह की तकरीबात के लिए कोई खसूसन रियायत है। वो तो अगर बल्क में ऑर्डर होता है तो हम वैसे भी डिस्काउंट देते हैं। दूसरा ये है कि बर्थडे अगर यहाँ पर डाइनिंग वगैरह में कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी डिस्काउंट भी होता है, और सजावट वगैरह जो है इसकी डेकोरेशन वगैरह वो भी करते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। और होम डिलीवरी के लिए हमारा नंबर है 03369219213, और लैंडलाइन नंबर जो है ये व्हाट्सअप नंबर था, और लैंडलाइन नंबर जो है 02137222406। थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से अर्शद साहब ने भी मैं दोहराया नंबर 03369219213, और इनका लैंडलाइन है 37222406। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अली हुसैन इस वीक तंदूरी में यहाँ पे मौजूद था। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शो जो है पाकिस्तानी सकाफती फूड और ट्रेडिशनल के ऊपर तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बेसिकली मुनक्किद किया जाता है, और हम सबसे पहले पाकिस्तान है, पाक सर ज़मीन शादबाद, कीश्वर हसीन शादबाद, अपने हसीन मुल्क को, अपने हसीन फूड को और अपने हसीन लोगों को इसी तरीके से प्रमोट करते रहिए।